आज सुबह में सबसे पहले बात दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद से आई एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर हर शख्स इस वक्त सन है, क्योंकि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध तौर से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि घर के मालिक और पत्नी ने पहले अपने 2 बच्चों का गला दबाया, उन्हें मारा और फिर इस शख्स ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ 8वीं मंजिल से छलांग लगा ली, जान दे दी। घर के मालिक और उसकी एक पत्नी की मौत तो मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही दूसरी महिला की भी मृत्यु हो गई, यानी परिवार के सभी 5 सदस्यों की मौत हो गई। लेकिन इस दौरान जो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये बहुत अहम, गाजियाबाद का वैभव खंड इलाका जहां पर यह घटना हुई, 8वीं मंजिल से कूदे हैं पति पत्नी और उससे पहले 2 बच्चों को इन्होंने खत्म किया। जिस सोसाइटी में यह घटना हुई, हमारे संवाददाता चिराग गोठी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं घटनास्थल पर। चिराग, बेहद हैरान, शायद कहना शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन एक ऐसी घटना जो कई सवाल जहन में पैदा करती है, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, किसने सबसे पहले इस घटना को विटनेस किया और उसके बाद से लेकर अब तक क्या हुआ? देखिए, 5 बजे के आसपास की घटना है, ये वो जगह है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ। अभी इसको बैरिकेड कर रखा है, ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो फ्लैट है, 8वीं जो फ्लोर है, जो एक ये गमले रखे हैं इससे ऊपर वाला फ्लैट है। यहां पर 3 लोग गिरते हैं, एक का नाम गुलशन है, एक उनकी वाइफ है प्रवीण, एक दूसरी महिला है जिनका नाम संजना है। पुलिस 5 बजे के आसपास जब बहुत तेज आवाज आई, गार्ड एकदम मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर आई, घर के अंदर जाती है, घर का रास्ता यहां से इधर से अंदर से, अभी उसको सील कर रखा है पूरे गेट को। वहां पर जो है 2 बच्चे, जिसमें एक लड़की है जो 15 से 16 साल की है, जो भी बता रहे हैं, रितिका उसका नाम है, एक उसका भाई है ऋतिक, इन दोनों की डेड बॉडी जो है वो बेड के ऊपर से मिलती है। जाहिर तौर पर हैरान कर देने वाली खबर, 5 लोगों की इसमें मौत जो है पुष्टि हो गई है। ये पता चला है कि दरअसल राकेश वर्मा एक शख्स है जिसको पैसा, गुलशन जो डिजीज यानी जिसकी मौत हुई है उनका नाम गुलशन है, गुलशन ने करीब 2 करोड़ रुपये दे रखा था राकेश वर्मा को, कुछ डीलिंग थी, वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा एक चेक्स दिए थे जो बाउंस हो गए थे, और जो मृतक है यानी गुलशन है उन्होंने अपने घर पर चस्पा कर रखे हैं वो चेक्स, जो जिसमें कहीं ना कहीं बाउंस चेक्स जो है वो उसकी प्रति है। साथ साथ एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला जिसमें कहा है कि सभी 5ों का दाह संस्कार एक साथ किया जाना चाहिए। तमाम सवाल है, ठीक है, पूरी डिटेल आपसे लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था जिसकी वजह से इस शख्स को ऐसा कदम उठाना पड़ गया। लेकिन इसी बीच SP सिटी से आज तक ने खास बातचीत की है, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को लेकर और जो डिटेल्स अब तक सामने आई है उस पर कहा, ये भी देखिए। ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं, इन्होंने आत्महत्या करने के पहले दीवार पर कुछ चीजें लिखी थी, तो उसमें उन्होंने राकेश वर्मा को मुख्य रूप से अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। तो राकेश वर्मा के बारे में संज्ञान में आया है अभी, चूंकि मृतक गुलशन के भाई भी हम लोग पास में आ गए हैं, परिवारीजन में कुछ और एकाध दो लोग आ गए हैं। राकेश वर्मा इनके साढ़ू हैं, रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेशन में हैं। राकेश वर्मा के साथ इनका अपना बिजनेस था, कुछ पैसे का लेन देन था करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का, जिसका दस्तावेजी साक्ष्य भी है, जिसके चेक भी हम लोगों के पास वहां पर अंदर कुछ 2-3 चेक भी मौजूद है जो इन कैश नहीं हुए हैं। तो इनका लेन देन का मैटर था, पैसा मांगा जा रहा था, वो पैसा दे नहीं रहे थे, तो ये आर्थिक रूप से परेशान थे, जिसके कारण इन्होंने ये कदम उठाया है, दुस्साहसिक कदम उठाया और दुखद घटना कारित की गई है। सर, 2 लेडीज जो वहां पर थी वो कौन है, क्या रिलेशन है इनका? एक उनकी पत्नी थी और एक के बारे में जो अभी तक पूछताछ संज्ञान में आ रहा है कि उनकी जो फैक्ट्री थी, जींस की फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में काम करती थी वो, उनके साथ रहती थी 4-5 वर्षों से, वो लोग साथ रहते थे, काम करते थे, क्लोज थे। तो फैक्ट्री कहाँ थी सर? अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फैक्ट्री कहाँ से। सर, कितने भाई हैं इनके जो गुलशन है? अब फिलहाल हम लोग इनके एक भाई हैं जो हम लोग पास आ गए हैं, उनसे हम और पूछताछ कर रहे हैं, वो दिल्ली में रहते थे, झिलमिल कॉलोनी में। जी जी। तो सर, उन्होंने कुछ ये सारी बातें बताई हैं कि जो हम बता रहे हैं आपको वो उन्हीं के थ्रू और उनके परिवार के जो और सदस्य हैं उन्हीं के थ्रू बता रहे हैं, और जो यहाँ पर सोसाइटी के लोगों को ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी 1.5-2 महीने पहले ही ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इसके पहले ये दिल्ली में रहा करते थे। सर, ये बॉडीज जो मिली हैं बॉक्स में मिली हैं दोनों बच्चों की जो मिली है? नहीं नहीं, ये बेड पे मिली हुई हैं और उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है जी। लेकिन सर, अभी तक इनिशियली गले पर मार्क्स हैं बॉडी के? हाँ, गले पे मार्क्स हैं, बेटे के गले पे मार्क्स था, तो जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, बेटा बेटी है तो? हाँ, बेटा और बेटी, एक बेटी है और एक बेटा है, तो दोनों के गले पर सर मार्क्स है। हाँ। और इन्होंने 5 बजे के आसपास, सर ये तीनों एक साथ कूदे? करीब 5:15 बजे के आसपास ही घटना है, और वो 5:15 बजे पुलिस की सूचना है, तो इट मींस 10-15 मिनट के आसपास ही। सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा है? सुसाइड नोट में मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि राकेश वर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया है उनके द्वारा, और एक उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि हमारा दाह संस्कार इकट्ठे हो, एक साथ हो। बाकी और कुछ चीजें लिखी हैं जो कि उनके लेन देन से रिलेटेड हैं, जो कि अपने
राकेश वर्मा और राकेश वर्मा की माँ, राकेश वर्मा के ब्रदर, इन लोगों को लिए उनके नाम लिखे हुए हैं, तो हम लोग उन्हीं की संलिप्तता की जांच कर रहे थे। राकेश वर्मा को जानकारी, राकेश वर्मा ये शालीमार गार्डन के आसपास रहा करते हैं, जो इनका परिवार है, जो इनकी माँ है। हमारी द्वारा 3 टीमें गठित की गई हैं, शीघ्र ही हम लोग इनकी गिरफ्तारी करेंगे और जो भी इन्वॉल्व रहा है और जो भी सच्चाई होगी वो आपको अवगत कराएंगे। पूरे मामले को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है एक ही परिवार की, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। और जो ये पूरी एक थ्योरी निकल कर सामने आ रही है, 2 करोड़ रुपए के आर्थिक लेन देन का ये मामला, और जिम्मेदार भी ठहराया है एक शख्स को, दीवार पर नाम लिखा था। लेकिन इसी बीच जब गाजियाबाद के SSP सुधीर कुमार सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा ये भी सुनिए। इसमें आज सुबह सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी है और उसमें मौके पर पुलिस पहुंची तो 2 मृत पाए गए और 1 को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जांच के बाद ये पता चला है कि ये जो व्यक्ति है वो उसकी 2 पत्नियां थी और लगभग 1.5 महीने पहले ये यहाँ पर आए थे। फ्लैट को खोल कर देखा गया तो उसमें 2 बच्चे और इनके मृत पाए गए हैं, और उन दोनों बच्चों के बच्चे जो कि 12-13 साल के और 10-11 साल की लड़की है। इसके एक सुसाइड नोट भी इन्होंने दीवार पर रख रखा, और कुछ आर्थिक तंगी के कारण, लोन न देने के कारण जो है वो ये सुसाइड करना बताया है। लेडी, अभी एक लेडी इसमें जिंदा है जिसका